वाम दल ने बिहार बंद का आह्वान किया है। ऐसे में आज पूरा बिहार बंद है। इसके समर्थन में राजद, हम, कांग्रेस, तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर आज बिहार की सड़कों पर उतरे हैं। बिहार बंद का असर पटना में तो कम, लेकिन अन्य जिलों में भी इसका असर देखने को मिला। हमारे साथ मौजूद हैं श्याम रजक जी, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं। श्याम रजक जी, सबसे पहला सवाल है, आज बिहार बंद हुआ है और बिहार बंद में जो वाम दल की मांग है कि जिस तरह से मुजफ्फरपुर का कांड हो या बिहार में तमाम आपराधिक मामले हो रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार फेल हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि संवेदनशील मामलों को राजनीति चश्मा से देखना यह संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है। मुजफ्फरपुर की घटना निंदनीय है, मर्माहत है हम लोग, और हम सब उसका कोई आकलन नहीं हो सकता है, उसके जो कष्ट है, उसकी जो तकलीफ का, वो प्रकाष्ठा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों की डिमांड पर तत्काल सीबीआई को जांच देने का काम किया, अनुशंसा किया, और भारत सरकार ने सीबीआई से जांच करा रही, उसने केस भी एंट्री कर लिया। अब जब सीबीआई को चली गई मामला, तो ये जांच का विषय है, धैर्य रखना चाहिए, जांच का रिपोर्ट आ जाने दीजिए। हम लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट आ जाए और जो भी दोषी हैं, जिन लोग भी कल्पित हैं, सब लोगों को सजा हो, कार्रवाई हो, जो भी कानून सम्मत करवाई हो, उसमें कहीं कोई कोर कसर नहीं, क्योंकि हमारी सरकार न किसी को फंसाती न किसी को बचाती है। विपक्ष की बात करें तो जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की आपराधिक चुप्पी में तुड़वाऊंगा। उसके बाद कई सारे आप लोगों ने ब्रजेश के बारे में भी कहा कि उसको कई तरीके से पैसे का आवंटन होता था, 2013 से 2018 तक ये खेल चला, करोड़ रुपये उसके आवंटन होते रहे, स्वास्थ्य विभाग से पैसा जाता रहा, ऐसे में सरकार क्यों आँखें मूंदी थी? मेरा तो साफ कहना है कि कुछ भी टिप्पणी करना सीबीआई के जांच के उसका पर हम असर नहीं डालना चाहते, कोई प्रभावित नहीं करना चाहते हैं। ये जांच का विषय है, जाँच हो। अब ये भी तो मानवर तेज प्रताप जी स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उस समय इन चीज़ों को क्यों नहीं देखा? तो जो भी कुछ हो, मैं उस पर नहीं कुछ कहना चाहता हूँ। टिप्पणी करना मेरे लिए ये नैतिकता नहीं होगी, क्योंकि सीबीआई का जाँच रिपोर्ट आ जाएगा, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विपक्ष को धैर्य रखना चाहिए और संवेदनशील मामलों को राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये उठता है कि जिस तरह से समाज कल्याण विभाग, आप जिस तरह से मुख्यमंत्री का आदेश हुआ, तमाम जो आप ये विभाग था वो पूरी तरह से पूरे बिहार में अलर्ट हुआ, क्या लगता नहीं है आपको कि जो NGO ये काम कर रही थी उसको बंद करके पूरे समाज कल्याण को के अंडर में इसको हैंड ओवर कर दिया जाए, जिस तरह से कुकृत सामने आया है? पहले रिपोर्ट आने दीजिए ना, रिपोर्ट के बाद ही ना कुछ निर्णय होगा। बीच में कोई निर्णय लेना, ये उसके जांच में खलल डालना होगा। तो विपक्ष के जिस तरह से रुख है आज बिहार बंद किया, विपक्ष ने लगातार हावी यहाँ पर भी। देखिए ना, विपक्ष के दिवालियापन की प्रकाष्ठा है, कहीं बंद उन नहीं हुआ है, जनता समझ रही है कि सीबीआई से जांच हो रहा है, ये लोग जांच को प्रभावित करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की बात का। जनता ने नकार दिया है बिहार बंद को, कहीं कुछ नहीं है, ये लोग सिर्फ अपना संतुष्टि करने के लिए, अपनी यशोगान करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम बना रहे हैं। जो है वो भी आरोप लगा रहे थे कि बहुत सारे सफ़ेदपोश इसमें शामिल हैं, विधानसभा विधानमंडल के दोनों सदनों में वो कहाँ बैठता था, क्या बैठता था, उसकी CCTV फुटेज निकाली जाए, तो ये सब बातें क्यों कह रहा है विपक्ष? तो बार बार कह रहा हूँ कि CBI जाँच कर रही है, CBI को तो अगर उनको लगता है कुछ तथ्य तो CBI को जा करके हैंड ओवर करना चाहिए, और CBI इसको जाँच रही है, CBI के जांच में हम कोई प्रभावित नहीं करना चाहते हैं। यदि हमारे साथ श्याम रजक, JDU के वरिष्ठ नेता, उन्होंने साफ कहा कि CBI इसकी जांच कर रही है और सरकार किसी को बख्शेगी नहीं। निश्चित तौर पर समाज में ये बहुत ही कुकृत और घृणित काम है और ऐसे काम में किसी को भी माफ किया भी नहीं जा सकता। हालांकि माननीय उच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है, अब देखना यह है कि इस पर्दे के पीछे कौन कौन से लोग थे और क्या कुछ था, ये तो CBI के जाँच के बाद ही पता लग पाएगा। हालांकि विपक्ष का रुख हावी है, विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आज सड़कों पर उतरा है। सहयोगी संजय के साथ संजीव राय, साधना न्यूज़, पटना।